सो हाई एवरीवन, दिस इज सुमिता गुप्ता, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप जरूर से जरूर इस साल सेलेक्ट होंगे। अगर आप ऑनेस्टली और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो आपको इस साल डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो जो स्टूडेंट इस साल नीट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक बहुत ही बड़ी न्यूज ये है कि नेशनल एग्जिट एग्जाम यानी कि नेक्स्ट एग्जाम विल बी हेल्ड इन फरवरी 2028, और पहला बैच जो कि नेक्स्ट एग्जाम देगा वो होगा 2024 बैच। आप लोगों में से कई लोगों को ये आइडिया भी नहीं होगा कि आखिर नेक्स्ट का एग्जाम है क्या, और अगर ये नेक्स्ट का एग्जाम होगा तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट का एग्जाम होगा कब। नेक्स्ट का एग्जाम तुम्हारे एमबीबीएस के फाइनल प्रॉफ के एंड में होगा, यानी कि जब तुम एमबीबीएस में जाओगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम दोगे, सेकेंड ईयर के एग्जाम दोगे, थर्ड ईयर के एग्जाम दोगे, और जब फोर्थ ईयर तुम्हारा खत्म होगा और इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली होगी, उसके बीच में तुम्हें ये नेक्स्ट वन देना पड़ेगा। और नेक्स्ट वन में अगर तुम 50% मार्क्स लेके आ पाते हो तभी तुम इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होगे। पहले हम ये कहते थे कि अगर बच्चे ने नीट निकाल लिया, मेडिकल कॉलेज में एक बार पहुंच गया तो डॉक्टर बन के ही निकलेगा, पर अब ये नहीं होगा। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, 50% नेक्स्ट वन में लेके आओगे, उसके बाद ही तुम इंटर्नशिप कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट टू का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको क्लियर करने के बाद फाइनली तुम्हें एक डिग्री मिलेगी, उसके बाद ही तुम्हें मेडिकल लाइसेंस मिलेगा। यानी कि अब इंडिया से एमबीबीएस करना हो गया है और ज्यादा टफ। लेकिन नेक्स्ट के एग्जाम के आने से जो क्वालिटी होगी डॉक्टर्स की वो हो जाएगी इंक्रीज। ये एग्जाम 2024 बैच से स्टार्ट होगा, तो 2023, 2022, 2021, 2020 ये सारे बैच सेफ है। ये सारे बैच यूजुअली जिस तरह से एमबीबीएस होता था वैसे ही एमबीबीएस करके निकलेंगी, और 2024 बैच वो पहला गिनी पिग बैच होगा, एक्सपेरिमेंटल बैच होगा, जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। जो भी नीट 2024 एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है, अभी से तुम लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो तुम्हारे लिए और ज्यादा टफर होने वाला है। एमबीबीएस में हमें आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, पर तुम्हें हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि तुम लोग मेडिकल लाइसेंस ले पाओ। सो अभी से मेहनत करने की आदत तुम डेवलप करो, जिस तरह से तुम नीट की तैयारी कर रहे हो और ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।